अब अरुणाचल में आमने सामने आए भारत चीन के सैनिक। एलएसी पर 200 चीनी सैनिकों को जवानों ने रोका। भारत और चीन के बीच लेह में लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच अब अरुणाचल प्रदेश से भी तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आमने सामने आ गए हैं। कमांडर स्तर की बातचीत के बाद ये मसला सुलझाया गया। भारत और चीन दोनों देशों से सैनिक पेट्रोलिंग के दौरान भिड़ गए थे। झड़प की ये घटना पिछले सप्ताह हुई थी। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की यांगत्से के करीब तुआंग सेक्टर में पिछले हफ्ते भारतीय सैनिकों ने चीन के करीब 2 सैनिकों को रोक दिया था। भारतीय सैनिकों की परसेप्शन के मुताबिक ये चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय सीमा में घुस आए थे। आर्यन को मिलेगी बेल या फिर जाएंगे जेल, फैसला आज अदालत में। वकील ने दायर की जमानत। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल मिलेगी या फिर उन्हें 14 दिनों तक जेल में ही रहना पड़ेगा, आज इसका फैसला हो सकता है। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन और कुछ अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर दोपहर 12 बजे सुनवाई होने जा रही है। आर्यन खान के वकील सतीश मनशिंदे ने कोर्ट में जमानत की 2 अर्जी दी है। 2 में से 1 अंतरिम जमानत की याचिका है ताकि आर्यन को तत्काल जमानत मिले और दूसरी रेगुलर बेल की, यानी जब तक इस केस की जांच हो तब तक के लिए दूसरी बेल की अर्जी दी गई है। 5 राज्यों ने बढ़ाई चिंता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया, अगले 3 महीने त्योहारों के सावधान रहे लोग। देश में कोरोना को लेकर चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और साथ ही साथ मिजोरम और कर्नाटक ऐसे 5 राज्य हैं जहां 10,000 से अधिक कोरोना के एक्टिव मामले हैं। तो वहीं सरकार ने भी दावा किया है कि तीसरी लहर को देखते हुए करीब 5,00,000 ऑक्सीजन बेड तैयार किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में कोरोना को लेकर चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। तेज प्रताप यादव की आरजेडी से और बड़ी दूरियां। बिहार उपचुनाव में कांग्रेस के लिए कर सकते हैं प्रचार। बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन पहले ही टूट चुका है। अब दोनों दलों के बीच में तनातनी की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच तनातनी की स्थिति और भी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि खबर है कि आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार अतिरेक कुमार के समर्थन में प्रचार कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस के प्रत्याशी अतिरेक कुमार के पिता और बिहार कांग्रेस के कार्यकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने गुरुवार को तेज प्रताप यादव से मुलाकात की और इस महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव अतिरेक कुमार के पक्ष में प्रचार कर सकते हैं। वायुसेना दिवस पर भव्य परेड का आगाज, आसमान में दिखेगी भारत की ताकत। भारत के लिए 8 अक्टूबर का दिन बेहद ही अहम होता है। इस दिन भारतीय वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। इस साल भारतीय वायुसेना का 89वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना 1971 के युद्ध में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय गाथा को दर्शाएगी। इस साल भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर भारतीय वायुसेना इस बार विजय वर्ष के तौर पर मना रही है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।